तो दोस्तों वैल्यू नॉलेज में आज हम बात करेंगे कि गर्ल और बॉयज़ के बीच में कौन ज़्यादा शॉपिंग करता है। तो आपको ये जान के बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा कि गर्ल्स जो होती है वो ऑब्वियसली बॉयज़ से ज़्यादा शॉपिंग करती है, लेकिन यहाँ पे कुछ आंकड़े जो है वो चौंका देने वाले है। तो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो लगभग 2 घंटे तक शॉपिंग करती है अगर हम ऑफलाइन शॉपिंग की बात करें, यानी मॉल्स में जाना या फिर कोई शॉप में जाना। लेकिन अगर हम बॉयज़ की बात करें तो वो सिर्फ 20 मिनट में अपनी शॉपिंग जो है वो निपटा देते हैं ऑफलाइन शॉपिंग। अभी हम बात करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग की। तो ऑनलाइन शॉपिंग में बॉयज़ जो होते हैं वो लगभग 1 घंटा स्पेंड करते हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स यानी वुमेन जो होती है वो 5 घंटे तक जो है वो शॉपिंग करती है, ऑनलाइन शॉपिंग करती है। तो यही एकदम चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और इसके अलावा कुछ आंकड़े ये है कि बॉयज़ जो होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, यानी वो अवॉइड करते हैं। और वुमेन्स जो होती है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो शॉपिंग करना पसंद करती है। तो यही जो है वो आंकड़े हैं। ये सारे आंकड़े और ये सारे फिगर्स आप अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि हो सकता है कहीं पे एग्जाम या इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हो। तो हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल जानकारी घर बैठे मिलती रहेगी।